अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पर्सनल आइडेंटिटी करेंगे। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है सो मच स्कैटर्ड है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा, ये फॉरेंसिक मेडिसिन का टॉपिक है, ठीक है। तो सो मच स्कैटर्ड है, और अगर आप पारिक रेफर करते हैं चीज़ों के लिए तो उसमें भी कुछ चीज़ें एक चैप्टर में डिवाइडेड हैं, और देन दूसरे पर्सनल आइडेंटिटी में कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, डिज़ास्टर वाले में लिखी हैं, हालाँकि वो पार्ट पर्सनल आइडेंटिटी का ही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप विश्वास जो है अगर वो फॉलो करते हैं तो उसमें भी बहुत डेप्थ किस्म का है। तो आज जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर करा है, ठीक है, वो सम थिंग मेरे कुछ स्लाइड्स कुछ पारिक और विश्वास का रेफरेंस है, ठीक है। मैं रेफरेंस इसलिए बता देता ताकि अंदाज़ा हो जाए, और उसको लेते हुए मैंने नोट्स बनाए जिस पर मैं पूरा लेक्चर लेके चलूँगी, और एक एक चीज़ को जो है ना डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है ना पर्सनल आइडेंटिटी जो नहीं समझ आ रहा होता था टॉपिक बहुत हैपेजर्ड लगता था, मुश्किल लगता था, इंशाल्लाह बाबा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने पहचान ना, ये तो उर्दू है, ठीक है। हर बंदा एक इंडिविजुअल है ना, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। डेफिनेशन तो जाहिर सी बात है आपने वायु में आपको बतानी है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन हमने कर ली, डेफिनेशन इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन लाइफ और डेथ इज़ नोन एज पर्सनल आइडेंटिटी। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। इंडिविजुअलिटी मतलब हर इंडिविजुअलिटी कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अपने आप में एक अलग इंसान है, ठीक है। ये जो है किसने कहा, एक कुटलेट रूल भी है, ठीक है, इसी से निकलता है। फिर हमने दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, कुटलेट रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, या ये नेचर पैराडॉक्स भी कहलाता है कि कोई भी दो चीज़ें, ठीक है, नो टू नेचर थिंग्स मेड आर सिमिलर, ठीक है। कोई भी नेचर की दो चीज़ें सिमिलर नहीं होती, इवन के आइडेंटिकल ट्विंस पे इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं कि वो उनका भी जो है ना क्या नाम है, जब उनकी परवरिश होती है, हालांकि उनको हर चीज़ें सेम मिलती हैं, फिर भी उनके इंटेलेक्चुअल्स डिफरेंट होते हैं, उनके हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पता चलता है, कुटलेट रूल कहता है कि नो टू नेचर मेड थिंग्स आर यूनिक, और कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब जो होता है हम इंडिविजुअलिटी पता कैसे लगाते हैं, ठीक है, यानी किसी की आइडेंटिटी पता कैसे लगाते हैं। तो कुछ हम सिमिलैरिटीज़ देख रहे होते हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ देख रहे होते हैं। सिमिलैरिटीज़ इन केस क्या, सिमिलैरिटीज़ मतलब फॉर एग्जांपल अगर एशियन है तो हम बस ये कोशिश कर रहे होते हैं ना कि इनकी एशियन में जो सिमिलैरिटी वो हमने गेन कर ली। फिर डिससिमिलैरिटीज़ देख रहे होते हैं कि जो बंदे में, उसी बंदे में यूनिक चीज़ क्या है, ठीक है। तो लेकिन हम बंदे को पहचानते हैं डिससिमिलैरिटी से, ठीक है, किसी से बातें वो यूनिक होंगी उस चीज़ में तभी पहचानेंगे, ठीक है। अब जो आइडेंटिटी होती है वो दो टाइप्स की होती है। अब हमने थर्ड करा टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। अब टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी दो टाइप्स की होती है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, क्योंकि क्या नाम है आपके उससे ही शो हो रहा है, इसका नाम वही बता रहा है कि एक ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके बारे में मालूम होगी, यानी एब्सोल्यूट फिक्सेशन होगी ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हमें उसका नाम पता होगा, उसका घर पता होगा, उसका सेक्स, सब चीज़ें हमें उसकी पता होंगी। पार्शियल का क्या मतलब है, पार्शियल से पता चल रहा है, पार्शियल माने हाफ, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब जब हाफ, यानी कि कुछ चीज़ें हमें फक पता होंगी, सेक्स उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल पता हो सकता है कि इसकी रेस क्या है, ये एशियन है, या फिर इसका रिलीजन क्या है, चलो सेक्स भी पता, लेकिन उसका एक्चुअल हो सकता है नेम हमें ना पता हो, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल आइडेंटिटी, जिसमें हम उसका नेम वगैरह ना पता हो लेकिन उसकी कुछ चीज़ें पता हो, ठीक है। अब दो सिचुएशन होती हैं, या तो स्टेटेड या फिर एब्सेंस ऑफ क्लू और स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि स्टेटेड मतलब कोई कह दे कि भाई, जैसे कोई बंदा अल्लाह ना करे किसी का आरटीओ हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है रोड ट्रैफिक, और फिर क्या होता है कि उसको घर जो भी उसका कॉल फ़ोन नंबर्स वगैरह मिलते हैं उससे हम कॉल कर रहे होते हैं, जब वो आता है तो हम जो भी बंदा होता है वो यही बताता है ना कि भाई ये जो है ना ये बंदा है, तो ये स्टेटेड है। और अगर स्टेटेड नहीं हो, कोई बंदा नहीं हो, एक अननोन बॉडी मिली है, ठीक है, तो फिर वो
एब्सेंस ऑफ क्लू और स्टेटमेंट होती है, फिर हमें खुद हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करके क्लूज ढूंढ के खुद ही निकालना होता है चीज़ों को, यानी उसकी आइडेंटिटी खुद पता लगानी होती है फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, अब बेसिक फैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, पहले हम ये कर लेते हैं कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि जब भी हम फॉरेंसिक करेंगे, ठीक है, फॉरेंसिक करेंगे, सिचुएशन हमने पता लगा ली कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, दो तरह की होती है। अब हमें पता लग गया कि MLI क्या है, ठीक है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, क्योंकि मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम फॉरेंसिक कर ही रहे, इसलिए कि हमें जो है ना इसकी ये पता होनी चाहिए कि मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है, हम ये चीज़ पढ़ ही क्यों रहे। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको साथ ब साथ बताती रहूँगी, ठीक है, ताकि सिर्फ आपको पढ़ाऊँ नहीं, ये नहीं बताऊँ कि आपको उस तरह पढ़ना है, बल्कि आपको ये भी गाइड करूँ कि किस तरह याद करना है चीज़ों को। ठीक है, तो हम मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, एक बंदे की मतलब बंदा बॉर्न हुआ, ठीक है, बॉर्न हो गया, दो बच्चे जहाँ रखे थे वहाँ मिसिंग हो गया, तो इंटरमिंगलिंग ऑफ बेबीज, ठीक है, वहाँ पे हम आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं। इसके बाद जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी हो गई, तो मैरिज के लिए हमें आइडेंटिटी ज़रूरी होती है। अब मैरिज के लिए आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस बंद फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के एक बंदे से शादी हुई, तो उसे पता होना चाहिए ना कि उसका, हाँ भाई इस बंदे से उसकी मैरिज हुई थी, ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। देन वो बड़ा हुआ, तनख्वाह कमा रहा था, पेंशन के लिए जाहिर सी बात है जिस बंदे ने काम करा उसी को पेंशन मिलनी चाहिए, अरे गहरे को तो नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, पेंशन के लिए हमें ज़रूरत होती है। फिर ये होता है कि बंदा बड़ा हो जाता है, उसको बीमारी लग जाती है, ठीक है, तो उसको जो है ना मिसिंग पर्सन हो जाता है वो। अच्छा, पेंशन में आप यहीं से जो है ना आईडी कार्ड, वो सॉरी पासपोर्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए आइडेंटिटी चाहिए होती है, लाइसेंस के लिए चाहिए होती है, तो ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं। फिर जो है, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, तो अल्जाइमर हो जाता है, ठीक है, अल्जाइमर में क्या होता है कि वो मिसिंग पर्सन हो जाता है, तो मिसिंग पर्सन के लिए आइडेंटिटी दरकार होती है। कहते हैं पोस्टर लगा देते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई बंदा दिखे तो आप हमें कॉल करिएगा। अब वो तो कॉल करके बता दें कि हमें ऐसा बंदा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल वो बंदा है या नहीं, ये आइडेंटिटी पता लगानी है ना, ठीक है, आइडेंटिटी पर्सन। अब अल्लाह ना करे वो मिसिंग पर्सन उसका आरटी हो जाता है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान और अनकॉन्शियस वगैरह हो जाता है, तो अनकॉन्शियस बंदे की आइडेंटिटी पता लगानी हो, या कोमाटाइज पेशेंट हो, वो अपनी आइडेंटिटी खुद नहीं बता सकता हो कि भाई मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, तो उसकी आइडेंटिटी पता लगानी होती है। ठीक है, ये हो गई मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये बहुत आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल इंटरमिंगलिंग इस तरह मैरिज करके, लेकिन भूल जाएंगे। ठीक है, जब भी आप करने बैठेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं आएंगे, तो याद इस तरह से करेंगे तो बेहतरीन किस्म का याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस को मैंने दो में डिवाइड नहीं करा, पहले मैं बता देती हूँ, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस को ना हम दो में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक होता है लिविंग में, ठीक है, और डेड में। लिविंग में भी क्या होता है कि सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं, और डेड में क्या होता है, डेड में कोई इस तरह के नहीं होते। ठीक है, सिविल के मैंने जो ये जो बताएंगे सारे सिविल हैं। अब आ जाता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में क्या होगा, सिंपल बात है भाई, मर्डर किसी ने करा है तो उसकी आइडेंटिटी, या फिर अगर मर्डर करके भाग गया है, इम्पर्सोनेट हो गया है, उसका एक वर्ड है जो, हाँ, इम्पर्सोनेट, सही है, मैं सही बोली, इम्पर्सोनेट पर्सन। इम्पर्सोनेट का मतलब होता है कि अपने आप को छुपा लेना, अपनी आइडेंटिटी इम्पोस्टर कर लेना, ठीक है, वो होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एब्सकॉन्डिंग सोल्जर, ठीक है, एब्सकॉन्डिंग सोल्जर्स क्या होते हैं, जो लोग अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं, जो सोल्जर्स, तो उनको ढूंढने के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि उनके लिए पनिशमेंट्स वगैरह होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, अब हम ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। अब हम डेड में आ जाते हैं कि डेड में मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की क्या वो होती है। ठीक है, अब डेड में कैसे हो सकता है, ठीक है, अच्छा, डेड, अब जिस जिस तरीके से बंदा डेड मिल सकता है उससे पता लगाते हैं। सबसे पहले इंसान जो है ना पूरा सही सलामत मिल रहा है, तो हमें मिल रही है अननोन बॉडी मिल रही है, अननोन बॉडी मिल रही है कहीं पे भी, ठीक है, ऑन अ रोड साइड, ऑन अ रेलवे स्टेशन, ऑन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है, अननोन बॉडी मिल रही है।
दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है कि बम ब्लास्ट हो गया, या फिर कोई फ्लूड आ गया, या फिर कोई और क्या हो सकता है, बम ब्लास्ट, एयर अलग अलग एयर क्रैश हो गया, एयरप्लेन क्रैश हो गया, इस तरह की जो कंडीशंस है सारी, यानी डिजास्टर्स वाली जो है ना, उसमें भी जाहिर सी बात आपको आइडेंटिटी पता लगानी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत आसान है, आपने क्या कर लेना है, आपको अब आपको मिली पूरी बॉडी, पहले डिजास्टर कर लो, ठीक है, फिर आपको पूरी बॉडी मिली, आपको पूरी बॉडी तो मिली है लेकिन पुट्रिफाइड बॉडी मिली है, ठीक है, उसमें भी आपको बॉडी पता लगानी होती है, वो आइडेंटिटी पता लगानी होती है। पुट्रिफाइड बॉडी भी नहीं मिली, आपको मिला है कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको कहते हैं म्यूटिलेटेड बॉडी। ठीक है, तो म्यूटिलेटेड बॉडी और डिकम्पोज बॉडी, या फिर वो भी नहीं मिला आपको, क्या मिला, स्केलेटन, स्केलेटन रिमेन्स मिला आपको, उसमें भी आइडेंटिटी पता लगानी है। तो इस तरह से स्टेप लेटर करके आपने चीज़ें याद करनी है। ठीक है, पहले तो आप डिज़ास्टर याद कर लें कि डिज़ास्टर जितने भी डिज़ास्टर होते हैं, फायर एक्सप्लोजन, इन केस ऑफ फायर एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट, एयरप्लेन क्रैश, इस तरह की सारी चीज़ें आपने याद कर ली। फिर हो गया कि एक पूरी बॉडी मिली अननोन जगह पे, दूसरी हुआ कि बॉडी बॉडी तो मिली है बट वो पुटिफाइड है, ठीक है, उसमें गलना सड़ना शुरू हो गई। तीसरा है कि इतनी वो गलने सड़ने के बाद उसके म्यूटिलेटेड पार्ट मिले, पूरी बॉडी नहीं मिली, म्यूटिलेटेड पार्ट मिले, एंड देन लास्ट में क्योंकि बॉडी के पास जब गोश्त खत्म हो जाता है तो स्केलेटन बचता है, तो स्केलेटन मिला है। तो इन चीज़ों में हमें जो है ना वो करनी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि हम अब हमें बॉडी तो मिल गई, ठीक है, चलो हम बॉडी से स्टार्ट करते हैं, हमें बॉडी मिल गई तो हम जो है ना कैसे पता लगाएंगे, क्या हम करना शुरू करेंगे कि हमें आइडेंटिटी पता चले। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कौन से वो पैरामीटर्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किलो कोई तोल रहे होते हैं, वज़न तोल रहे होते हैं, तो हमारे पास उसका स्टैंडर्ड वज़न होता है ना, वो रख के हम तोल लेते हैं, तो वो पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हम आइडेंटिफिकेशन पता लगाते हैं। ठीक है, तो कहने को तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपकी बुक में मिलेंगे हेयर, ठीक है, स्किन कलर ऐसे लिखा हुआ है, एज, अगर एज किसी की पता चल जाए, सेक्स, रेस, स्टेचर, स्किन, रिलीजन, मतलब नंबर है, नंबर ऑफ है, ठीक है, हाइट, स्कार, मास, वेट है, बर्थ है, मतलब नंबर ऑफ है, आप कुछ भी बता दें। आप हेयर से शुरू करेंगे, अच्छा आसान तरीका क्या है, आप ऊपर से आएंगे, ऊपर सबसे पहले आपके क्या है, हेयर है, ठीक है, फिर आपके क्या है, स्किन कलर होता है, ठीक है, फिर इस चेहरे से आपकी एज पता चल सकती है, ठीक है, चेहरे से आपका सेक्स पता चल सकता है, रेस पता चल सकती है, फिर आपके पास आ जाता है कंधा, कंधे से आपका हाइट पता है, स्टेचर, ठीक है, स्टेचर पता चल सकता है, वेट पता चल सकता है। इस तरह से आपने याद करना है चीज़ों को, कोई एक टेक्निक बना के, कोई एक वो बना के, ठीक है, ये हो गए पैरामीटर्स। अब जो पैरामीटर्स हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का हेयर कलर देखना है, वो भी तरीके होते हैं, बट इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हम पता लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे, हम देख लेंगे उसके हेयर बाय आईज और इस तरह से, ठीक है। बट तो तीन चीज़ें होती हैं जिसका हमें नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, और अगर हम कम अगर ये पता लगा लें तो हमें काफ़ी हद तक बंदे की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो वो तीन चीज़ें जो हम डिटेल में करेंगे और आपको ऐसे ही याद करनी है, दैट इज सबसे पहले रेस, ठीक है, एज और सेक्स, मे भी हम सेक्स पहले कर लें, ठीक है, पहले रेस करेंगे, फिर या तो इसमें एज हम पहले कर लेंगे या फिर पहले सेक्स कर लेंगे, ठीक है।